नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। इंदौर शहर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां कल सावेर के धर्मपुरी क्षेत्र में एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं देर रात इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली मर्दाना बाईपास पर बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली मर्दाना बाईपास का है, जहां पश्चिम बंगाल के रहने वाले विप्लव विश्वास, मृणमय विश्वास देर रात अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे फोर व्हीलर वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया। बताया जा रहा है वही दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों मृतक पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो सिवनी सेमलिया चाऊ में क्लिनिक चलाते हैं। पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सब कोई एक्सीडेंट हुआ था रात में देर रात, तो कैसे हुआ है और कौन लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं? ये 2 व्यक्ति थे, बुलेट मोटरसाइकिल से चले आ रहे थे, तो कोई अज्ञात वाहन इनको बाईपास संपत पेट्रोल पंप के सामने बाईपास पे ये क्रॉस कर रहे थे, तो कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार के चला गया। क्या नाम है? नाम मृतक का है, एक का मोहित पिता मिलन विश्वास, 25 साल, ग्राम सेमलिया चाऊ। दूसरा पिता का नाम नहीं मालूम पड़ा है। दीपलव पिता अज्ञात, 26 साल उम्र है इसकी। जी सब यही रखे हैं, उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आपका नाम बता दो। ASI यारोलिया थाना कनाड़िया। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।